दोस्तों, सांप का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। समझदार आदमी वही होता है जो सांप को देखकर उसके साथ एक सुरक्षित दूरी बनाए रखे और सांप के नजर आने पर स्नेक एक्सपर्ट को कॉल करे, क्योंकि सांप के साथ उसके एक्सपर्ट ही सुरक्षित तरीके से डील कर सकते हैं। किसी अनाड़ी आदमी का सांप से उलझना अपनी जान को जोखिम लेने के बराबर है। लेकिन अगर आपने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो इसके नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं। हमारी आज के वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस जो आपको कुछ सिखाएंगे भी और सावधान भी करेंगे, इसलिए हमें यकीन है कि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए आखिरी तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, सांप एक जहरीला जीव है। अगर ये सच में काट ले तो इंसान की जान भी चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अपनी शेखी बघारने से बाज नहीं आते। वो सांप के साथ उसे किसी खिलौने की तरह खेलने की कोशिश करते हैं, और कुछ इसी तरह का काम इन भाई साहब ने भी किया। इन्होंने सांप को पूंछ से पकड़ा और उसे कुछ इस तरह अपने कंधे पर टांग लिया, जैसे कि आप कोई रस्सी को टांगते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि सांप ने मौका पाकर इनकी पीठ में अपनी फेवरेट बाइट का एक नमूना दे दिया। हम तो यही चाहेंगे दोस्तों कि आप में से कोई भी इस स्टंट को बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस तरह की कोई भी हरकत करना मौत को बुलावा देने के बराबर है। सांप को पकड़ने वाले सपेरे जब कभी भी सांप का खेल दिखाते हैं तो उसके जरिए वो अपनी बीन का इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसा करके ये दिखाते हैं कि वो बीन बजा रहे हैं और सांप उनकी बीन की धुन पर डांस कर रहा है, जबकि हकीकत ये है कि सांप बीन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसे सपेरे पर गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ भी एक सपेरा कई सारे सांपों को लेकर उन्हें एक साथ बीन की धुन पर नचाने की कोशिश कर रहा है। वो सांपों को उनके पिटारों में हाथ डालकर छेड़ता है और उन्हें जगाता है। इसके बाद सांप जब फन फैलाकर खड़े हो जाते हैं तो उसे लगता है कि उसने सांप को जीत लिया, लेकिन तभी एक सांप का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो सपेरे को काटने के लिए आगे बढ़ता है। कुछ सपेरे तो यहाँ तक क्रूरता करते हैं कि अपने आप को स्नेक बाइट से बचाने के लिए सांपों का मुंह भी सिल देते हैं। सांप और सपेरा का संबंध आपने भी देखा होगा। एक सपेरा सांप को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है। ये लोग अक्सर कुछ इस तरह से सांप को पकड़ते हैं कि सांप इन्हें बाइट ना कर पाए, लेकिन इसके बावजूद कई सपेरों को स्नेक बाइट का शिकार होना पड़ता है, जैसा कि आप यहाँ देखने वाले हैं। इस वीडियो में सांप के साथ सपेरा मौजूद है जहाँ वो सांप को पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ ऐसी गलती कर देता है जिसका खामियाजा उसे स्नेक बाइट के रूप में भुगतना पड़ता है। दोस्तों, सांप का स्वभाव कुछ ऐसा है, अपनी जान पर खतरा हो या फिर वो भूखा हो तो सबसे पहले सामने वाले को काटता है। वैसे आपको बता दे कि सपेरे जिन सांपों को अपने पास पालते हैं वो उनके दांतों का जहर निकाल देते हैं या फिर उन्हें कई कई दिनों तक भूखा भी रखते हैं, जिसकी वजह से भी सपेरों को सांप के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। अभी इनसे मिलिए। ये भाई साहब सांप को हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने सांप के सिर को हाथ से पकड़ा हुआ है और अब उसे वो एक कंटेनर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली जब पूरा का पूरा सांप इनके ट्रांसपेरेंट कंटेनर में चला जाता है और ढक्कन लगाने की बारी आती है, उसी समय सांप इनके हाथ में काट लेता है। सांप के साथ केवल अनस्किल्ड और अनाड़ी लोगों को ही नुकसान नहीं होता, सांप इतना शातिर और चालाक होता है कि मौका मिलते ही अच्छे अच्छे एक्सपर्ट की हवा निकालकर रख देता है। यहाँ ये स्नेक एक्सपर्ट सांप को एक ट्रांसपेरेंट जार में डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सांप की मुंडी को पकड़कर उसे जार में रखने की कोशिश करता है। तभी सांप की मुंडी पर उसकी पकड़ जैसी ही ढीली होती है, सांप उसे काट लेता है। सोचिए, सांप के साथ जरा सी असावधानी उनके एक्सपर्ट को कितनी भारी पड़ती है। तो हम आम इंसानों को सांपों से दूर रहना ही बेहतर है। दोस्तों, वीडियो की इस फुटेज में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो कि ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हैं, उसने एक सांप को सिर से पकड़ रखा है और उसके बाद वो सबके सामने उस सांप को एक कंटेनर में डालने की कोशिश कर रहा है। वो सांप को पूरा का पूरा कंटेनर में डाल देता है, लेकिन जब कंटेनर को ढक्कन लगाने की बारी आती है तो वो सांप के सिर पर अपनी पकड़ को ढीली करता है। जैसे ही सांप उसकी पकड़ से छूटता है, वो पलटकर उसे उसी हाथ में काट लेता है जिससे उसने सांप को पकड़ रखा था। दोस्तों, सांप को डोमिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे सिर से पकड़ा जाए, लेकिन इस बात का दूसरा पहलू ये है कि सांप को पकड़ने का सबसे खतरनाक तरीका यही है कि उसे उसके सिर से पकड़कर रखा जाए। ये मिस्टर वावा सुरेश, इनके हाथ में जो कंटेनर है
उसमें रसल वाइपर स्नेक है जो बहुत ही जहरीला और खतरनाक किस्म का होता है। ये उस सांप को हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन सांप इनके हाथ पर काट लेता है। सांप के साथ हमेशा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, फिर चाहे आप कितने ही बड़े स्नेक एक्सपर्ट क्यों ना हो। ये है बिज्जू जो कि इसमें एक्सपर्ट है और सांपों को पकड़ना ही इनका काम है। इन्होंने भी सांप को उसके सिर से पकड़ रखा है और ये भी सांप को सुरक्षित पकड़ना चाह रहे हैं लेकिन इन्हें भी सांप ने काट लिया। इस वीडियो से ये बात तो पता चलती है कि सांप के काटने के सबसे ज्यादा मामले तभी आते हैं जब उसे सिर से पकड़ने की कोशिश की जाती है। उसे पकड़ते वक्त या फिर छोड़ते वक्त जरा सी भी असावधानी सांप को काट लेने का मौका दे देती है। डेनियल न्यूटन सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सांप उन्हें काट ही लेता है। यहाँ सांप के काटने की स्पीड देखने लायक है। सांप किसी को भी नहीं छोड़ते, बड़े से बड़ा स्नेक एक्सपर्ट भी इनकी बाइट से बच नहीं पाता। सांपों के बारे में सब कुछ जानते हुए भी कुछ लोग उन्हें लेकर ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके बारे में सोचकर ही इनकी बुद्धि पर तरस आता है। इस भीड़ में लाल शर्ट वाला ये आदमी अपने हाथ में सांप को लेकर अपने बगल में खड़े सफेद शर्ट वाले आदमी के सिर पर उसे रखने की कोशिश कर रहा है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सांप के साथ वो कितना कैजुअल है लेकिन उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि सांप कभी भी अपनी हरकत दिखाने से बाज नहीं आता। फाइनली सांप ने उस सफेद शर्ट वाले व्यक्ति को उसके कान के पास काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। बाद में इस लाल शर्ट वाले आदमी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी, आस्तीन का सांप, तो यहाँ भी धोखेबाज व्यक्ति के लिए सांप शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इससे हमें यही पता चलता है कि सांप जैसे जीव पर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये भी एक स्नेक रेस्क्यू है और इसने एक अजगर को पकड़ा है मगर गलती ये कर दी है कि इसने अजगर को अपनी गर्दन पर लपेट लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अजगर ने अपनी कुंडली को धीरे धीरे कसना शुरू कर दिया। इसकी गर्दन अजगर की कुंडली में फंसनी शुरू हो गई। अजगर का दबाव जब गर्दन पर पड़ता है तो सिर की तरफ जाने वाले खून का बहाव बंद हो जाता है। आगे चलकर इसका दम घुट गया और ये वहीं मर गया लेकिन इसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। अजगर के काटने पर जहर नहीं चढ़ता लेकिन अजगर की सबसे खतरनाक चाल उसकी कुंडली होती है। अपने शिकार के चारों तरफ ये अपने आप को लपेट लेता है, फिर उसकी हड्डियों को चूर चूर कर देता है, फिर धीरे धीरे उसे पूरा ही निगल कर अपने पेट में ले जाता है और फिर उसे कई दिनों तक हजम करता रहता है। दोस्तों आज की तारीख में स्नेक बाइट से बचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप उससे दूरी बनाकर रखिए। किसी भी सूरत में सांप के करीब खुद ना जाइए, ना किसी को जाने दीजिए, बल्कि दूर रहकर उस पर नजर रखिए और उस समय एक एक्सपर्ट को बुलाकर उसे पकड़वा दीजिए क्योंकि सांप को मारना भी कानूनन जुर्म है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रही होगी। साथ ही इस वीडियो को देखकर आपको सांप के बारे में और उसके बिहेवियर के बारे में जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।